हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। आपका स्वागत है नियाजी सी व्लॉग्स पे। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्यू एन ए पे। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7:30, तो दिन में टाइम नहीं मिल पाया, ऐसे ही काम में लगे पड़े थे दोनों। तो अभी टाइम मिल रहा है तो अभी बना रहे हैं वीडियो हम लोग। तो आइए चलते हैं और क्यू एन ए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन और आंसर ये देंगे, ठीक है? दोनों देंगे। हाँ, दोनों देंगे। ज्यादा आंसर ये देंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीरज जेठी, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्यूट लगती है, आप दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाया करिए। तो थैंक यू सो मच भैया, आपको हमारी जोड़ी इतनी पसंद आती है। हाँ, वीडियोस तो अब बहुत कम देखने को मिलेगी हम दोनों के साथ में, जब ये छुट्टी आएंगे तभी मिलेगी ये, क्योंकि इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई है। तो जितनी मेरे पास हैं वीडियोस, मैं पक्का शेयर करूंगी उनको, और बहुत सारा प्यार दें आप लोग, थैंक यू सो मच। और प्रिया का क्वेश्चन है, प्रिया 5923, सो क्यूट दी, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, लव फ्रॉम बागेश्वर। थैंक यू प्रिया। और शुभम भंडारी, आपकी जोड़ी सदा सलामत रही, थैंक यू सो मच भैया। और भीम दत्त करके है, ये हमारी भांजी हैं, और इन्होंने लिखा है, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, लव यू, थैंक यू। नाम तो क्या है मैं भूल गई हूँ, थैंक यू। और फिर है फार्मासिस्ट गर्ल संजू यादव, दीदी जीजू प्लीज भगवान से प्रार्थना करो, आप दोनों की तरह मेरी भी भगवान जोड़ी बना दे। बिल्कुल, हम भगवान से यही दुआ करेंगे। हाँ, आपको बहुत अच्छा लड़का मिले। बीना भंडारी, जीजू बहुत क्यूट है और आप भी दी। थैंक यू। ये तो है क्यूट बहुत ज्यादा, बट मैं नहीं हूँ इतना। हाँ, ये भी थैंक यू तो बोलो। थैंक यू सो मच। मानसी पटियाल, क्यूटीज, थैंक यू मानसी। मिस्टर एंड मिसेस गोस्वामी, भैया को कम कम नाटा करो बस, एंड गॉड ब्लेस टू बोथ ऑफ यू, भोलेनाथ ऑलवेज ब्लेस टू यू। डांटती नहीं हूँ यार, एक काम ही ऐसे करते हैं, हरकत ही ऐसे करते हैं, तो क्या करूँ, थोड़ा बहुत डांटना ही पड़ता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में चलते रहता है ना हल्का फुल्का। अगर थोड़ा सा डांटूंगी नहीं तो फिर तो क्या ऐसा क्या हो जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत जरूरी है हर किसी के। थैंक यू। और इनका भी यूट्यूब चैनल है, और को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इनकी वीडियोस को। हाँ, तो थैंक यू। पिंका कब्बू बिस्ट 03, अपने और अपने हस्बैंड जी की एज रिवील कर रही हूँ। तो मेरी एज है 26 और इनकी है 24, तो हमारे बीच में एज डिफरेंस है सिर्फ 2 साल का। तो ये हमारी दीपक पंत, आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, थैंक यू दीपक जी। सुमित सिंह बोहरा 2002, आपके पतिदेव कौन सी रेजिमेंट में है? तो ये सब चीज़ें ना, मतलब सोशल मीडिया पे मतलब हमारे लिए अलाउ होता नहीं है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो इसलिए हम कुछ शेयर नहीं करते, बस बाकी वही है, 2 रोटी प्लेट कमा रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं छुट्टी आने के बाद। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता करना है तो आप घर पे आ सकते हैं, हम घर पे जरूर बताएंगे आपको कि किस चीज़ में हैं, क्या नौकरी करते हैं, कौन सी रेजिमेंट में है, वो जरूर घर पे आके बता देंगे आपको। और ओए होए फन 446, जब आपको लॉन्ग हेयर पर कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं नज़र तो नहीं लग गई है मेरे बालों को। वाकई में लग भी गई है नज़र, बहुत मतलब कि बहुत पतले हो गए हैं और बहुत ड्राई जैसे हो गए हैं मेरे, जब से शादी हुई है उसके बाद हेयर, नज़र तो लग ही गई है। और मैं बताऊँ तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है उस टाइम पे, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो, क्योंकि मेरे साथ ही होते हैं तो और भी ज़्यादा यू नो अच्छा लगता है बहुत ही। वंशु जोशी का है, दी होम टूर कब ला रहे? होम टूर कभी भी ला सकती हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बताऊंगी जल्दी। रोड में ही मकान है तो। रोड पे है ना मकान, रोड ही में अटैच है, रोड से ही अटैच है, तो आप भी आओ, आपको करवाएंगे साथ में, आपको होम टूर करवा देंगे। मेरे को पसंद नहीं है ना अपने घर की एक एक चीज दिखाना, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती होम टूर पे ना। तो अगला क्वेश्चन है,
प्रियंका टमटा 1994। हेलो बहनी, मेरे भी हस्बैंड ITBP में हैं और हम भी अभी पंजाब में हैं और हमारी भी शादी लव मैरिज हुई है। तो सबसे पहले प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्या बोलते हैं, बाकी आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट है। हम मतलब भगवान से बोलेंगे कि आप दोनों की जोड़ी भी हमारे जैसे सलामत रहे। अगला अगला है @short_circuit867। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यार अब ये तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे नमक तो होता ही है टूथपेस्ट में। अगला क्वेश्चन है @NihatiWari7। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपसे पूछने को, प्लीज आप सबके आंसर दे देना। दी आई एम योर बिग फैन। आप अपने व्लॉग्स में कुछ नया क्यों नहीं करते हो? कुछ नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो भी कब भी तो दिखाओ ना दी। हाँ, अब दिखाऊंगी। मैं घर पे ही रहती हूँ ना ज़्यादातर, तो डेली व्लॉग घर के ही आते हैं। अब कुछ करूँगी, एक तो ऐसा होता है मैं अकेले होती हूँ, प्रैंक भी किसके साथ करूँ, मम्मी कभी मतलब होता है ना, एक घर के लिए चाहिए होता है इंसान, एक बाहर के कामों के लिए चाहिए होता है। तो पापा हमारे सीधे साधे हैं और शर्मीले हैं, तो कहीं जाते नहीं है वो, तो मम्मी को ही जाना पड़ता है इधर उधर। तो मम्मी बाहर रहते हैं, मैं अंदर घर का काम करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं किस पे व्लॉगिंग करूँ। अब बाकी व्लॉग का ऐसा होता है ना, जब मैं आता हूँ छुट्टी, तो अब मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट साथ में ही घूमते हैं, तो इतना घूमने घामने का हो नहीं पाता, बट हाँ आने वाला टाइम में हम बाहर साइड मतलब यहाँ से दूर कहीं मतलब अच्छी अच्छी जगह का मतलब जाएंगे, टूर प्लान करेंगे और साथ ही फिर उन चीजों पे बेस व्लॉग बनाएंगे। बाकी तो इनको टाइम मिलता है, मतलब टाइम तो बहुत मिलता है, बट घर ही घर डेली डेली रूटीन दिखा के भी ऐसा है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। और इन्हीं का इनके बहुत सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इनका ही @NihatiWari का, आपको बेबी क्या चाहिए, गर्ल या बॉय? तो मेरे को तो चाहिए लड़की और बाकी जो भी हो चलेगा, क्योंकि लड़की तो हमारे पास है ही एक, तो फिर तो भगवान की देन है जो भी हो। आप अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में क्यों नहीं रहते हैं? तो इसका जवाब देता हूँ मैं। तो अभी मैं थोड़ा पोस्टिंग दूर पोस्टिंग हूँ, जैसे ही मतलब थोड़ा क्लोज आ जाऊंगा या फिर प्लेन एरिया में आ जाऊंगा तो तब लेके जाएंगे, बट मैं नहीं चाहता, मतलब यहाँ फिर मम्मी लोग सब अकेले रहते ना, तो घर में भी देख रेख के लिए चाहिए मम्मी लोगों के, तो इनको यहाँ भी अच्छा लगता है, ये मतलब बाहर रहना उतना पसंद नहीं करती। इनका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी जेठानी कब आ रही है घर? मेरी जेठानी जल्दी ही घर आने वाली है, यहाँ आजकल बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा हम लोग ही नहीं सहन कर पाते हैं, फिर तो उनकी डिलीवरी हुई है और बच्ची छोटी है, तो वो कहाँ से कर पाएंगे ना ठंडा सहन, तो वो जल्दी ही आने वाले हैं। जब भी आएंगे ब्लॉग में आपको दिख जाएंगे, पता चल जाएगा आपको, जल्दी ही आने वाले हैं वो लोग। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ससुर जी व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं? तो हाँ, आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा, तो पापा बहुत ही ज्यादा मतलब साई टाइप के हैं, तो मतलब वैसे ना कुछ बोलते हैं ना ही ज्यादा मतलब इन चीजों को मतलब इन हाँ, चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। फोटोज खिंचाने के लिए फर्स्ट है, फोटोज का उनको बहुत शौक है फोटोज का, लेकिन वीडियोज में नहीं आना चाहते उस सर मिले, और थोड़ा मेरे को भी थोड़ा मतलब शर्म भी लगती है ना, आप ससुर हुए, मम्मी के साथ तो चल जाता है, पापा के साथ नहीं बना पाती। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बार बार घूमने के नाम पर टी गार्डन क्यों जाते हो? आपके पति देव आपको क्यों घुमाने क्यों नहीं ले आते? तो ऐसा नहीं है, हम लोग इस बार टी गार्डन गए, न्यू कैफे खुला था, तो हमने मतलब वहाँ उसको चेक करने के लिए गए, उस पर्पज से गए थे, और ऐसा नहीं है टी गार्डन नहीं जाते, हम बहुत सारी जगह जाते हैं, इस बार तो गए घूमने के लिए, बट अगली बार यहाँ से दूर मामा के घर गए थे हम, वहाँ मेरा फोन खराब हो गया था, तो वहाँ का भी व्लॉग बनाया था बहुत ही, आपको भी एक मतलब गांव की लाइफ दिखाते, गांव के जो भी मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें थी वहाँ, तो ऐसा नहीं है कि टी गार्डन ही लेके जाता हूँ। इस बार बहुत जगह गई हूँ यार, मैं एबर्ट माउंट नहीं देखा था मैंने, वहां गई, और एक नए कैफे में आप लोगों ने 2-3 ब्लॉग देखे होंगे, ज्यादा तो नहीं जा पाए हम इस बार, पर गए तो क्योंकि कम छुट्टियां, मतलब छुट्टी वैसे अब साल में 3 बार आ जाते हैं हम, काम भी होते हैं ना घर के, काम में ऐसा हुआ कि कभी मार्केट के काम होते हैं, कभी फिर दीलों के यहाँ जाना है, कभी मामा लोगों के यहाँ जाना है, तो इस वजह से टाइम कम बचता है, बट जितना टाइम हम लोग रहते हैं टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं। इनका है, ये आगे बोलती है कि लव फ्रॉम हल्द्वानी, थैंक यू सो मच आपका, क्या बोलते हैं, आप अगर
अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं लगे तो आई एम सॉरी, बट मुझे सच में क्वेश्चन पूछने थे, इसलिए आप मतलब हमें किसी भी क्वेश्चन का कोई बुरा नहीं लगा और हमें अच्छा लगा कि आपने इतने सारे क्वेश्चन से पूछे। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू, आप हमारी फैमिली हो इसीलिए आपने अपना मान के हमको क्वेश्चन पूछा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है @SapnaKalakoti4592, आप दोनों की एज कितनी है? तो हमारी एज है 26 और मैडम की एज है 24। अगला क्वेश्चन @HarishTiwari9935, सो स्मार्ट लॉन्ग ईयर, आपके नाम गिनीज बुक में लिखना होगा। तो थैंक यू, ये आप ही कर सकते हो। हमें तो मतलब मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद है इनके लंबे बाल। @ShivaniChauhan2922, व्लॉग बनाना बंद कब कर रहे हो? शिवानी रुक जा तू, मेरे व्लॉग से तुझे दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, आप लोगों ने तो सपोर्ट करना चाहिए ना, मतलब हाँ ठीक है, धीरे 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 शुरुआत होती है। हाँ, व्लॉग बनाना बंद तो नहीं करूंगी। हाँ, एक दो हफ्ते एक दो दिन ऐसे छूट सकता है, लेकिन बनाना बंद नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पसंद है मेमोरीज इकट्ठा करना और मेरे को बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। अगला क्वेश्चन है @OiOi1446, आपके फैन आपके साथ सेल्फी लेते हैं या आपके खूबसूरत बालों के साथ? तो इनका आकर्षण का केंद्र है इनके खूबसूरत और लंबे बाल, तो वो लंबे बालों के साथ भी फोटो खिंचवाती हैं और इनके साथ भी। अगला क्वेश्चन है @MyRahul, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और दी और जीजू ने? तो मैं भी ग्रेजुएट हूँ और ये है पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने MCOM किया है और इनने पॉली भी करी है और पॉलीटेक्निक करी थी, बट छोड़ दी, मतलब उस टाइम पे सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा BA है कंप्लीट, मतलब ग्रेजुएशन है कंप्लीट, तो उसके बाद तो फिर अभी तैयारी टाइम मिला ही नहीं है, बट अब आगे PG भी कंप्लीट करेंगे। अगला है क्वेश्चन है @user, शायद इनका नाम सोनी है इसमें, दी आप अपने लॉन्ग हेयर का राज बताओ, इस पर जल्दी वीडियो लाओ प्लीज, मैंने कितनी बार पूछ लिया है। सॉरी, इस पे मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं अकेले होती हूँ, वीडियो शूट करने के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन अब मैंने स्टैंड ले लिया है, अब मैं जब घर पे अकेले होंगी ना, कोई नहीं होगा, जब जिस दिन मेरे को ये लगेगा कि हाँ काम थोड़ी देर बाद करूँगी तो चलेगा, तो मैं उस दिन जरूर बनाऊंगी इस पे वीडियो, कभी भी आ सकती है वो वीडियो। ठीक है, @NeerajBishta, आप दोनों की एज हम बता चुके हैं, मेरी एज 26 है और इनकी है 24। @user, इनका नाम सोनी है, ये बोले नाइस, थैंक यू सो मच आपका। अगला क्वेश्चन है फिर से @OiOi1446, आप अपने लॉन्ग हेयर पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाओ, ट्राई करो, इस पर तो सबसे अच्छा व्लॉग बन सकता है, अदर वीडियोस देखो यूट्यूब पर पब्लिक लॉन्ग हेयर रिएक्शन की, फिर ट्राई करो। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा मतलब सजेशन दिया, थैंक यू सो मच OiOi। बाकी इनके साथ कोई वीडियोग्राफर है नहीं ना, अब मैं तो ड्यूटी में ही चले जाऊंगा, तो हिट हो जाऊंगी ना, तब मैं एक रखूंगी यार असिस्टेंट। @VijayKhati, खटीमा मायके कौन सी जगह में है आपका? खटीमा मेरा मायका है शिव कॉलोनी में, इलाहाबाद बैंक देखा होगा आपने, जो खटीमा रहते हैं उनको पता होगा, उसके जस्ट बगल से रोड जाती है अंदर को, उसी वाली गली में। अगला क्वेश्चन है @BhavnaFamilyVlogs, आप जीजू से पहली बार कहाँ और कैसे मिले थे? तो हम पहली बार मिले थे जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, और है 8 मार्च की डेट है, और हम लोग खटीमा ही मिले थे, मतलब फॉर मतलब 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही बैठे थे और रेस्टोरेंट पे और बैठे, इनकी दोस्त भी आई थी। अगला क्वेश्चन है @ManviVishwakarma, दी प्लीज बताओ आप चंपावत में कौन सी जगह में रहते हो? मैं भी वहीं से हूँ, तो हम लोग रहते हैं नियर कोतवाली, जो यहाँ पुलिस लाइन में है, उनके जस्ट वहाँ से 50 मीटर थोड़ा सा और आगे टनकपुर वाली रोड में, रोड से ही अटैच मकान है। अगला क्वेश्चन है @PharmacistGirl संजू यादव, तो दीदी जो प्लीज भगवान से प्रार्थना करो, आप दोनों की तरह मेरी भी भगवान जोड़ी बना दी, तो थैंक यू सो मच, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जोड़ी भी मतलब हमसे भी और अच्छी बने और आपको भगवान ढेर सारा प्यार दें। तो अब और हैं क्वेश्चन, एक दो और हैं क्वेश्चन, जो मैंने कल वीडियो डाली थी संकट चौथ व्रत की, तो उसमें भी पूछे हैं लोगों ने क्वेश्चन, तो मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ आपको। भावना ने पूछा है, भावना फैमिली ब्लॉग्स ने,
ये व्रत किस चीज के लिए रखा जाता है और इसके बारे में बना दी, हमको कुछ भी नहीं पता, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। तो भावना, इस व्रत को इसलिए रखा जाता है, फैमिली में एक ही ये व्रत कर सकता है, अगर कभी किसी ने नहीं किया हो फैमिली में तो ये अपने फैमिली के कष्ट जो भी होते हैं, मतलब दुख, और घर में शांति बनाए रखने के सुख लिए, शांति बनाए सुख रहने शांति के बनाए लिए। रखने के लिए इसीलिए ये व्रत किया जाता है। तो यहाँ पे दीदी तो अब छोटी बच्ची है, वो नहीं कर सकती हैं व्रत, और मम्मी भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी दवाई वगैरह चलती है, तो मैं ही एक हूँ, मैं ही बची। साथ तो में मैं भी हूँ, इनने भी किया था मेरे साथ साथ, अब बीवी वर्दी कर रही, तो यार मैं कैसे खा सकता हूँ ना, मेरे को भी साथ तो में। तब मैंने व्रत किया, मेरी मम्मी करती है ना वहाँ, तो मुझे पता था इसके बारे में, तो मैंने तभी किया ये बस व्रत। इनका हौसला बढ़वाने के लिए मैंने भी व्रत रख लिया। और एक माया विश्वकर्मा करके हैं, इन्होंने किया है कमेंट, हेलो दी, कल मैंने आपको देखा, आप सिद्ध मंदिर गए थे, आपके हस्बैंड थे, गाना गाते हुए जा रहे थे। हाँ, हम दोनों ही थे वो। थैंक यू, आप बोले क्यों नहीं, फिर आपने देखा तो आवाज लगाते, हम लोग रुक जाते। आप लोग कोई भी मतलब अगर जानते हो तो आप लोग मतलब वैसे जान ही जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे हाँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू, तो आप लोग बोल लीजिए, कोई इसमें वो नहीं है हाँ कि हमें इतना कोई ईगो ईगो नहीं रहता है कि यहाँ आप लोग हाँ बोलोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, या आप फोटो खिंचवाना चाहते हो तो आपसे फोटो नहीं खिंचवाएंगे। रही बात हमारी साथ साथ, तो हम लोग कहीं भी ट्रिप में जाते हैं तो दोनों ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, ऐसे ही मजा एंजॉय आता है ना, करते फोन हुए में कौन जाते हैं। लगाता है गाने, मुंह से गाने, गाने में ही मतलब बात मस्त होती है। और एक प्रकाश चंद्र उप्रेती हैं, वो बोल रहे हैं, दी मैंने आपको देखा, आप समोसे लेने आए थे भटजी की दुकान में। हाँ, तो पापा को बहुत समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ से ही आते टाइम जब हम मंदिर से पहले दिन जब हम लोग आ रहे थे मार्केट से, शायद परसों की बात है, तो तब देखा होगा आपने, तो थैंक यू। हाँ, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हमसे, ऐसे ही क्वेश्चन और पूछने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो Q&A वीडियो में ये तो नहीं होंगे, मैं तो मैम चले होंगी। जाऊंगा। और एक बात आपसे बोलनी थी कि आप लोग यार वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट मत किया करो, क्योंकि आप लोग तो हमारा परिवार भी, साथ में बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मतलब हमारी भी ऐसी आदत नहीं है देख किसी को गलत बोलने की, लेकिन अच्छा नहीं लगता फिर भी। मतलब हाँ, ब्लॉग साहब इतने परफेक्ट है, तो मतलब धीरे 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 हर मतलब इंसान हर एक चीज में अपने काम में परफेक्ट बनता है, तो अभी मतलब इनने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मतलब गलतियां होते रहती हैं और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, बट ऐसा है कि गलत चीज़ों के ऊपर कमेंट है और गलत चीज़ें जो आप मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं ना, मतलब नाम नहीं लेंगे लेकिन गलत कमेंट करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज, आपके भी घर में माँ बहन हैं और बहुत सारे लोग हैं, आप लोग वो लोग देखते होंगे, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ मत करिएगा, और अच्छा भी नहीं लगता यार दिल से, क्योंकि एक ही जगह के होके अब हम लोग भी किसी को कुछ गलत नहीं बोलते ना, या तो हम ऐसे होते गलत बोलते तब तो आप लोगों को भी हक था गलत बोलने का, तो हाँ, क्योंकि 2-3 कमेंट आ चुकी है मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर, तो मेरे को बड़ा गंदा लगता है, मैं कमेंट रिमूव कर देती हूँ क्योंकि लोग देखे ना करके ऐसा होता है कि ज्यादा मैं। अगर ज्यादा गंदा कमेंट है तो उसको क्या होता है, हम अगर मतलब जो कार्रवाई उसकी फिर अलग कार्रवाई होती है, हाँ वो वही, बताएंगे नहीं, वो फिर अगर बहुत हाँ ही ज्यादा मैं तो गलत। शांत वाली हूँ, मैं कुछ बताऊंगी भी नहीं, चुपचाप से, हमारे बगल में ही है कोतवाली, पता भी चल जाएगा कौन है, हर चीज का पता चल जाता है, आप लोगों को पता ही है, चुपचाप जाएंगे और मतलब पता चल जाएगा ऐसा किसने। करना नहीं चाहते, बट हाँ ना ही करेंगे, बट ऐसा होता है कि यार जो चीज आप लोग बोल रहे होते हैं तो उससे मतलब दूसरा इंसान भी थोड़ा हर्ट होता है। वही तो। हाँ मतलब मैं तो इग्नोर करता हूँ, मैं तो इस चीज को मतलब थोड़ा हटा के चलता हूँ, बट फैमिली में और लोग भी हैं तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे कमेंट और रिप्लाई ना करें, गंदे कमेंट्स ना करें, और बस हाँ बस हो गया, और तो क्या ही बोल सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स पे बताना बाकी मेरे को। सजेशन देते रहना आप लोग हाँ की व्लॉग वगैरह के लिए, और इनको तो मैं बोलते रहता हूँ कि और लोगों से भी सीखना चाहिए, हाँ मतलब सीखते भी हैं धीरे धीरे, बाकी प्रोग्रेस चल रही है, और आप लोगों का प्यार
और सपोर्ट से अभी मतलब 10K भी कंप्लीट होने वाले हैं, अब जल्दी 11K होने वाले हैं। और बस आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और हो अब हम के जाड़ ले हगो कला कि हम रात इन वीडियो बनुनियो अब बनाते हैं, अब रोटी वोटी बनाने खाना का भी टाइम आ बनाना गया, है तो तो ठंडा भी हो मिलते हैं गया आपसे है। जल्दी। मैं तो जल्दी ही मिलूंगा, मतलब बहुत अब 3-4 महीने बाद तो आपसे ही मिलते रहेंगी। और शायद ही मेरी लास्ट वीडियो है आज। बाकी क्या सबको भी पता थैंक यू सो परसों मच। वाले कल और या परसों व्लॉग बनाऊं तो मिल सकते हैं आप लोगों को, कोई पता नहीं है व्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके साथ व्लॉग का एंड करते करते हैं हैं, मिलते बाय। हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।